तो मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो अभी अनवरत डांट लगेगा। लेकिन कुछ देर पहले लटका हुआ था क्योंकि डांट सुनी है सासू माँ से, इतनी तेज डांट सुनी है कि पूछिए मत, और पिछले कुछ दिनों से लगातार डांट सुन रही है। हमारा डांट इसी तरह चलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। हाँ। और अभी जो है हम लोग जो है थोड़ा गए थे कॉमेडी शूट सब किए, रील सब जो है बहुत दिनों से हमने शूट सब नहीं किया था, लेकिन रील का वीडियो जो देखा कि बहुत डिमांड आ रहा था कि आप लोग जो है कॉमेडी वीडियो सब नहीं डाल रहे हैं, तो सोचा कि चलिए अब जो है कॉमेडी वीडियो भी शूट करते हैं। कुछ अपना समय निकाला, लगभग आधा एक घंटा बस हो जाता है हम लोगों का, तो शूट हो गया। और उसके बाद जो है क्रियांश पीछे अपना सो रहा है, क्रियांश अपना सो रहा है तो वो ठीक है। तुम्हारा गन्ना कहाँ गया? अभी गन्ना खा रही थी तुम। बस एक ही बचा है, एक ही बचा है, तो वो गन्ना हमको दे दो, सारा गन्ना तुम ही खा लीजिए। एक तो मेरे लिए छोड़ दो, रखा हुआ रहता है तो हम खा लिए। नहीं, हम खा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, दे दो ये। ठीक, चलो। तो ये जिया का साड़ी उतना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब कपड़ा देखे थे, लेकिन जब पहनी तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये, और स्पेशली कैमरा पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट कलर है। इसीलिए आप जब पहने थे तो आप बोल रहे थे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जब पूरा अच्छे से पहनी है तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारा सारा कुछ सूट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं जाती हूँ अपना कपड़ा खोलूंगी, और उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हैं तो कपड़े भी मैं धोंगी। तो उस टाइम जब मैं नहाने गई थी ना तो क्रियांश रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं कपड़े नहीं धो पाई, तो फटाफट आ गई क्रियांश को सुलाने के लिए। तो क्रियांश अभी भी सोया हुआ है, तो मौका है कि फटाफट से जाके मैं अपने सारे कपड़े धो लूँ। तो चलते हैं, कपड़ा खोलेंगे ये वाला साड़ी, और अपना जो घर का गेटअप है उसमें आते हैं। पतिदेव को भी मैं ये शर्ट है, जब हम लोग केरला गए थे ना तो ये शर्ट लिए थे इनके लिए, तो इनको भी आज मैं यही पहनाई, जो थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो जाए और कॉमेडी वीडियोस में अच्छे दिखे हम लोग। 2 hours later। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9, और समय हो गया है खाना खाने का, और क्रियांश देखिए कहाँ पर है। क्रियांश है इस सोफे और इसके बीच में। उतरना है क्या? अब कैमरा जो ऑन कर लिया, कैमरा ऑन कर गया। अच्छा, ये देख रहे हैं, बस यही इसको ऑन करना रहता है स्विच को। तो ये अपना जो है खेलेगा, मम्मी है साथ में, हम जाते हैं खाना खाते हैं, इसके चक्कर में पड़े रहेंगे, भूखे रहेंगे, जाते हैं। आ गया, बाय कर दो, बाय। A few moments later. जी खाना पीना खा करके तो हम आ गए, और जब खा करके आए तो क्रियांश का कुछ ऐसा हालत देख रहे हैं, कुर्सी उधर गिरा हुआ है, क्रियांश उसके ऊपर चढ़ रहा है, और जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ क्रियांश आ गया। वीडियो जैसे स्टार्ट होता है क्रियांश फॉर्म में आ जाता है। ये हाँ क्रियांश क्या कर रहा है? और इसका जितना भी कपड़ा रहता है सब में कुछ ना कुछ आपको दाग मिलेगा। ये क्या डांस कर रहा है? सिट अप सिट डाउन, क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है? स्टैंड अप सिट डाउन, ओ भाई लग रहा है वही चल रहा है। आजा। The next day. तो क्रियांश चले गया है नीचे, और क्रियांश की मम्मी भी चली गई है नीचे, और हम जो है अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं पीछे लैपटॉप अपना लगा हुआ है, तो अपने काम पर बैठे हुए हैं। और कल जो हमने एक वीडियो में शेयर किया था कि थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्रियांश को पता रहता है कि पापा जो है इसी रूम में काम कर रहे हैं, और बाहर से जो है गेट को नॉक करते रहता है और चिल्ला रहा होता है जोर जोर से पापा पापा, और हमें भी खराब लगता है कि गेट कैसे नहीं खोले, पापा है और बेटा बाहर से चिल्ला रहा है। तो कई बार गेट खोल देते हैं, काम को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ जाता है, लेकिन दिक्कत भी जाती है इसकी वजह से। बहुत लोगों का इसके ऊपर जो है सजेशन आया था, और काफी प्यारी प्यारी कमेंट आए थे, और एक कमेंट मुझे ध्यान है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो उनका मैं कमेंट यहाँ पर लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अब जो है क्रियांश थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब जो है आप उसको थोड़े बड़े बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। उनकी जो बेटी है वह भी क्रियांश से 7 या 10 दिन की बड़ी है, वह लेकिन समझती है इस बात को कि पापा काम कर रहे हैं, तो जैसे ही गेट के पास जाती है तो ऐसे कह देते हैं पापा वर्किंग, तो वह समझ जाती है। काफी अच्छा लगा जी, इतनी समझदार हो गई है प्यारी सी बच्ची। रही बात जी क्रियांश को इस तरह से ट्रीट करने की, तो कोशिश करेंगे जी कि क्रियांश को भी थोड़ा सा बड़े बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन क्या कहें जी, माँ बाप है, काफी अच्छा लगता है उसका बदमाशी देखना, उसका शैतानी देखना, और लगता है यही तो एज है जब अभी थोड़ी सी शैतानी करेगा, थोड़ी सी बदमाशी करेगा, एक समय आएगा जब उसको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाएगा, तो अभी मन करता है कि जो कर रहा है करने दो। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा करके तो अभी सिखाना शुरू करना होगा, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हम उसको सिखा पाए। और क्रियांश जो है आ चुका है पापा के रूम में, तो देख सकते हैं, और अब जो है पापा काम छोड़कर क्रियांश के साथ लगे हुए हैं। क्रियांश क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अब जो है खिड़की से उतर गया है, जैसे मालूम चला रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जैसे ही कैमरा देखता है ये, इसका बिहेवियर में जो है कुछ बदलाव आ जाता है।
और जो छठ का प्रसाद है जी, वह प्रसाद जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो एक एक करके जो है हम लोग खा रहे हैं। और यह है जी, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप, तो टॉप हम लोग खाएंगे। और सेल्फी इधर ऑन है तो क्रियांश भी आ गया देखने के लिए। तुम खाएगा, तुमको सर्दी हो जाएगा, मत खाओ तुम। One hour later. तो फाइनली जो है क्रियांश सो गया है और बहुत ही ज्यादा बदमाशी किया है अभी। किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर रो क्यों रहा था, बहुत तेज रो रहा था और बहुत ही बदमाशी कर रहा था। और जिया जो उसको लेके चले गए थे दूसरे रूम में, और इस रूम में हम जो है अपना काम कर रहे थे। तब देखिए कि जिया अब जो है कोई उपाय नहीं है, सोच रही थी कि हमको डिस्टर्ब नहीं हो काम करने में, इसलिए जिया ही अकेले संभाल रही थी। तब अंत में जिया लेकर के आ गई मेरे पास, मेरे पास आया, थोड़ा देर खेला और कंधा पर ऐसे बैठे बैठे सो गया। अब उसका यह क्या नियम है पता नहीं कि उसको जो है सोना है तो पापा के पास ही सोना है या तो बाबा के पास सोना है। बाबा चले गए हैं खोट, हम हैं यहाँ पर। तब उसके बाद वह आया और सोया। तो अब वह जब चला गया तब जिया गई है अपना नहाने, नहा करके अपना फिर अब खाना खाएगी। और बज रही अभी दोपहर के 1:15, तो कुछ ऐसी स्थिति है हमारी। तो जब जिया नहा करके आएगी तब हम जाएंगे, तब सभी लोग नहाएंगे और खाना वाना खाते हैं सब। A few moments later. तो मैं आ गई हूँ अभी नहा करके, और पतिदेव चले गए अपना काम करने के लिए पीछे। तो मुझे बहुत तेज भूख आई और अभी बज रहे हैं 2:10 है, फटाफट से चलते हैं खाना खाते हैं। और है खाने में चावल, आलू गोभी की सब्जी, और ये है करेले का भुजिया जो कि डैडी के लिए बनता है, डैडी को शुगर है ना। तो और ये है दाल। तो अभी मैंने अपना खाना खा लिया और मूंगफली रखा हुआ था, मूंगफली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मूंगफली लेके मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। और कुछ देर में जब पतिदेव का काम खत्म हो जाएगा फिर मुझे वीडियो शूट करना है इंस्टाग्राम के लिए। देखते हैं पतिदेव का कब काम खत्म होता है, और तब तक मैं ले रही हूँ मूंगफली के। तो अभी बज रहे हैं 2:00 और इस समय जो है माँ का पूजा चल रहा है। तो इतना लेट क्यों हो गया? आज त्रयोदशी है प्रदोष, अच्छा महाकाल की पूजा होती है इसमें। जो कोई भी काल कष्ट, कोई बुरा नजर, किसी की ईर्ष्या द्वेष, यहाँ किसी का कुछ काम नहीं करता है। अच्छा। प्रदोष के आगे सब घुटना टेक देते हैं, जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं सभी घुटना यहाँ टेक देते हैं। अच्छा। हमारा अस्त्र शस्त्र हथियार अदालत वकील मुख्तार सब यही है, इसलिए हम किसी से डरते उड़ते नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी तरह आप सब पर क्षमा और दुआ बनाए रखिए, ताकि आपका पूजा करते रहे। और प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, अच्छा। इसलिए समय बिता करके प्रदोष काल में भगवान के शरण महाराजी दिए, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया, लेकिन ये विलम्ब मुझे जान करके नहीं हुआ। प्रदोष की पूजा के चलते इसी समय उनकी पूजा की जाती है। अच्छा। बस भगवान भोलेनाथ से यही करते हैं, हमारा पोता बेटा बहू मेरे पति और अगल बगल जितने भी समाज हैं सबको अच्छा बनाए रखे, ताकि हम खुशी से अपना समय बिता ले, नैहर सासुर सबको आनंद रखे। तो जिया का चेहरा देख सकते हैं अभी मुस्कुराहट है, लेकिन कुछ देर पहले लटका हुआ था क्योंकि डांट सुनी है सासू माँ से, इतनी तेज डांट सुनी है कि पूछिए मत। और पिछले कुछ दिनों से लगातार डांट सुन रही है। ऐसे ही सुनते हैं, माँ बोलती है हमको अच्छे लगता है। बहुत बढ़िया। तो दीदी क्यों डांट लग गया इसका? मेरी बात पर अमल नहीं करोगे अभी अनवरत डांट लगेगी। अच्छा। हम कहते हैं आपका प्रोफेशन ऐसी बात नहीं, मुझे पसंद नहीं। आप प्रोफेशन भी अपना चलाइए, बच्चे को भी देखिए। अच्छा। सब काम को देखते सबसे पहला प्रायोरिटी स्वास्थ्य को दीजिए। अच्छा। लेकिन जब स्वास्थ्य के प्रति अगर प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा तो हमारा डांट इसी तरह चलेगा। अच्छा। तो डांट चलते रहेगा। तो इसका जो शरीर, आप लोग जो है कमेंट करते भी रहते हैं कि जिया जो है लगातार पतली होती जा रही है, इसके खाने पीने पर ध्यान दीजिए। तो सभी लोग जो है थक हार गए हैं और सभी लोग बोलते रहते हैं कि प्रॉपरली टाइम पर खाना खाया करो, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। ईश्वर की कृपा से न खाने की कमी है न पहनने की, न संसाधन की। अगर प्रभु की दया रही, आज हम प्रदोष व्रत में हैं और उनकी दया रही तो कर्म के अनुसार ईश्वर किसी को फल देते हैं, कभी कमी नहीं रहेगी। अच्छा। इसलिए यहाँ आप कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी सासू माँ को देख करके सीखिए, नहीं सीखिएगा तो इसी तरह डांटेंगे। बिल्कुल। तो तुम्हारी सासू माँ जो है लगभग 30 साल ड्यूटी पर रही है, दो दो बच्चे को संभालना, ऊपर से ड्यूटी जाना, तब उसके बाद कुछ सीखो? सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। कम है, माँ बोलती है तो अच्छा ही लगता है, बोलती रहेंगी और सीखते ही रहेंगे। माँ है जैसे मेरी माँ है वैसे ही सासू माँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो डांटती थी तो ऐसे ही सुनते थे, और माँ भी डांटेगी तो ऐसे सुनेंगे। और जी ये तो रही जिया की डांट सुनने की बात, जिया तो कभी कदार सुनती है। हम जो है लगभग हर घंटे, 2 घंटे 3 घंटे पर एक ना एक बार जो है बात सुनी लेते हैं, इनको और मजा आता है। तो हमको बहुत मजा आता है। और बचपन में क्या होता था कि माँ आती थी स्कूल से तो एकदम पूरा परेशान होकर के आती थी, सोचती थी कि जो है थोड़ा चैन से रहेंगे, लेकिन बदमाशी करते थे तो माँ जो है गुस्सा से दौड़ जाती थी मारने के लिए, हम तो भाग जाते थे एकदम। और जी जब हम भाग जाते थे माँ को और भी ज्यादा गुस्सा आता था, तब उसके बाद हम क्या करते थे कि घर से कहीं दूर चले
जाते थे और जब तक गुस्सा शांत नहीं हो फिर आते थे, तब तक देखते माँ का गुस्सा शांत है तब जाते थे। लेकिन इसी में क्या हो गया कि हमको लगा कि माँ का गुस्सा जो है खत्म हो गया है, तो माँ के पास चले गए। अब माँ पकड़ी मेरा बाल जोर से, एकदम ये जोर से खींची, इतना मार लगा उस दिन। उस दिन के बाद से थोड़ा सा और भी जो है कदम फूक फूक के रखने लगे कि माँ का पहले श्योर कर लेते थे कि गुस्सा कम हुआ है कि नहीं। तो यह सब थी जी बचपन की यादें। और माँ है, माँ का डांट जो है काफी अच्छा लगता है, और जब तक माँ रहेंगी और जब तक हम रहेंगे तब तक ऐसे ही डांट सुनते रहेंगे। और उनके डांट में भी प्यार है, उनके डांट में भी सुझाव है, उनके डांट में भी दुलार है। तो इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।